हेलो बच्चों, तो ये रहा आपका पार्ट वन। इससे पहले जो वीडियो हमने डाली थी वो पार्ट टू के नाम से डाली थी, जो कि उसमें बायोलॉजी के 101 से लेकर 200 तक के सभी क्वेश्चंस का हमने आंसर किया था, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो जस्ट इन केस अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा, आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए फटाफट आंसर की देखते हैं विद 100% एक्यूरेसी इसकी भी। और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों आप देख पाएंगे, तो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर आप हैं तब भी आप यहीं से अपने आंसर की मैच कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन पेपर। एनीवेज, ओके, तो चलिए पहला सवाल हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस वन एंड टू दिए हुए हैं, जहाँ पर आर वन इज ग्रेटर देन आर टू हैव इक्वल चार्जेस, तो पोटेंशियल वुड बी, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा मोर ऑन स्मॉलर स्फेयर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, इसका ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हम आंसर या क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, फटाफट आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप फट से आंसर मैच कर सकें। बहरहाल इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मोस्ट प्रोबेबली कल तक अवेलेबल करा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा थर्ड होगा, बोथ सर्किट्स ए एंड सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड ऑफ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर विद नेग्लिजिबल मास, मास जो है नेग्लिजिबल है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg मास इज, तो इसका आंसर आपका पहला सही होगा 20/3 meters। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव, द बाइकोनकेव लेंस हैज रेडाई ऑफ दिस, ओके, तो पावर ऑफ लेंस पूछी गई है यहाँ पे, और ये होगी आपकी +5D। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, द स्पीड ऑफ द बॉल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज व्हाट, तो ये होगी आपकी B। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, ओके, यहाँ पे डायमीटर पूछा है, सॉरी यस रेशियो पूछा है यहाँ पे, दियोगा 2:2:1, ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, शेल ऑफ मास m इज रेस्ट एट रेस्ट इनिशियली, ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपको होने जा रहा है वो सेकंड सही होगा 2:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस 1 mm हैज 100 टर्न्स पर mm, इफ वन ए करेंट फ्लोज इन द सोलोनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलोनॉइड वुड बी, तो ये आपका सही होगा 12.56×10^-2, ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन, सीधे आपको आंसर बता देते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो वीडियो शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड ऑप्शन लगा दीजिए आप इसका, 9:4 इसका रेशियो होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन, यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है 90 डिग्री। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इन साइड द बबल विल डिक्रीजेज, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो थर्ड सही होगा, सी अपॉन एप्साइलन T×μr, सॉरी ऑप्शन आ रहा है μr, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा, रेशियो होगा आपका 2:1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, ग्राफ बेस्ड सवाल है, और यहाँ पे आपका कौन सा ग्राफ आपका आंसर बनेगा, ये बनेगा थर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, और यहाँ पे जो आपका आंसर आने जा रहा है वो आएगा 0.5 वेबर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, आंसर इज 2, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और नाउ क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है, आंसर आपका 3 वोल्ट 3/2, नहीं मैं क्वेश्चन सही नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो शायद बोनस मार्क्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 में आपका देखिए आंसर आने वाला है सेकेंड, यानी कि 60 हर्ट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है 3, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपने मैच करना है 22 में, और यहाँ जो आपका आंसर सही बनेगा वो बनेगा थर्ड, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23,
23 में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1:√3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, 24 में भी आपका आंसर आएगा 12, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, और 25 में आपका आंसर सही होगा वो √2 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ द AC सोर्स, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देन 26 रेशियो आपका 1:√2 हो जाएगा। देन 27 अगेन यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं, तो ऑप्शन यहाँ कौन सा ही बनेगा, कोई स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे जो आपका आंसर बनने जा रहा है वो थर्ड होगा, डिक्रीजेज फॉर कंडक्टर्स बट इंक्रीजेज फॉर सेमी कंडक्टर्स। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, 10 36 × 10^7 जूल। नेक्स्ट इज 30 का आपका आंसर आएगा 50 न्यूटन पर kg। देन 31 का जो आपका आंसर आने वाला है, न्यूक्लियर फिजिक्स का ये सवाल है, और इसका आंसर आपका होगा न्यूऑन 1022। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 32, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, आंसर इसका होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 33, और यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, 10^5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पे आपका दूसरा रेशियो सही होगा, 1:3:5:7। देन 35 में चलते हैं, 35 में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 34,500, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही है, 5.6 × 10^3 मीटर, सॉरी 5.6 मीटर क्यूब। ओके हम भी क्या पढ़ देना जल्दीबाजी में। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर में आपका ऑप्शन 14 × 10^2, यानी कि थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 38 को आप देखेंगे, यहाँ जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 4.5 × 10^-6 जूल। देन 39 नंबर है, यहाँ पे लिस्ट 1 से लिस्ट 2 के साथ इसको मैच करना है, और जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बनेगा वो बनेगा पहला, पहले का 2 यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। देन क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, यहाँ पर 2 पेंडुलम्स दिए हुए हैं, लेंथ इनकी इतनी इतनी है। ओके विच ऑफ द 2 आर अगेन इन फेज एट द सेम मेन पोजिशन, तो इसका आंसर आपको बनने जा रहा है 11। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 41, गिवन 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर फिर से दे दिए गए हैं, और स्टेटमेंट्स को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप देखेंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जो रीज़न है उसका वो सही नहीं है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा आपका। उसके बाद बॉल इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टर मोशन से ये सवाल आया आपका, और यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है 5 × 10^5 √3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 43, 43 में आपका आंसर आएगा साइन इनवर्स 0.750। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे आपका जस्ट 44 ही ना, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर होगा पहला सही। उसके बाद 46 पे चलते हैं, यहाँ पे आपसे रेजिस्टेंस पूछा है पी एंड क्यू का, और आंसर आपका यहाँ पे होगा शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 47 फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, और इसका आंसर आपका बनेगा दूसरा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 48, आंसर फिर से आपका 1 एम्पियर होगा, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। उसके बाद चलते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ एल एज शोन इन द फिगर, तो यहाँ पे आपका पहला आंसर सही हो जाएगा 1/r³। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अगेन रेशियो यहाँ पर पूछा गया, तो 5:4 का रेशियो होगा और ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 51 पे चलते हैं, यहाँ पे एक केमिस्ट्री के सवाल शुरू हो गए, दो स्टेटमेंट फिर से दिए हैं 51 में भी, और हमें बताना है कौन सा सही है। तो आप याद रखेंगे पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 52 में आप देखेंगे थर्ड आपका आंसर बनेगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रियूजेबल, थर्ड इनकरेक्ट पूछा ना, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर ये ध्यान रखना होता है कि इनकरेक्ट है इनकरेक्ट, ये करेक्ट है, ये बच्चे ने हाईलाइट किया, ये बहुत अच्छा किया। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी इज, तो इसमें जो इनकरेक्ट है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय दिस इनेंशियोमर्स आर सुपर इम्पॉसिबल, नहीं होते, दे आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल।
ओके, तो ऑप्शन टू आपका आंसर बनेगा, जो कि यहाँ पे भी इनकरेक्ट ही आपसे पूछा है। देन 54 पे चलते हैं। एक रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे आपको बताना है कि वाई क्या होगा। तो वाई आपका हो जाएगा यहाँ पे आर सी ओ माइनस एम जी प्लस एक्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 55। इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ ए सॉल्यूट देर इज, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई है, फिर से मैच करना है और आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, यानी कि डी ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन सॉरी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 57। फिर से दो स्टेटमेंट दे दिए, फिर से बताना कौन सही है कौन गलत है। तो आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन थर्ड सही है आपका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा थर्ड, चूंकि ए का 4 है, बी का 3, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 59। ओके, फिर से मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे मैच करना है और सॉरी इनकरेक्ट मैच पूछा है, इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट। तो थर्ड देखिए, थर्ड आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 60। फिर से मैच द फॉलोइंग है और यहाँ पर आप उसको मैच करेंगे, तो देखिए ए का 3 होगा, बी का हो जाएगा 4, सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद 61 पे चलते हैं। ये कहता है आपका स्टेटमेंट दो दिए हुए हैं फिर से, और बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगेन देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। देन 62, आई यू पी एस सी नेम डॉक ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिल्वर की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +1 है दूसरे ब्रैकेट में, और पहले में है प्लस सॉरी पहले में भी 1 है बट दूसरे में भी 1 है प्लस की, और दूसरे में अर्जेंटेट लगना ज़रूरी है डाइसाइनो डाई का। ठीक है, डाइसाइनो, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा इसमें भी आपका। उसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, बेंजीन, क्लोरीन, एनहाइड्रेस, FeCl3। देन क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 64। यहाँ पर फिर से रीजन और एसेशन दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन कौन सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 65। 65 में आपसे क्या पूछा था, यूपीएससी नेम ऑफ एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर जिसका 119 हो, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका फोर्थ सही। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 66। एट 298 द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सी यू टू प्लस से जा रहा है ये सी यू प्लस में, तो ये क्या होगा, रिडक्शन हो गया। ओके, जेड एन प्लस से जेड एन में गया, ये भी रिडक्शन हो गया, और उसके बाद एफ ई टू प्लस से एफ ई में आया, ये भी आपका रिडक्शन हुआ, और ए जी प्लस से ये भी। तो इतने दिए हुए हैं, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक होने के लिए यहाँ पे देखिए, ये कंजुगेशन पूरा ही नहीं हो रहा है, यहाँ ब्रेक हो गया ना कंजुगेशन, तो इसके वजह ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत आसान और लेकिन बहुत अच्छा सवाल था। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना है कौन सा सही होगा। तो ये आपका सही होगा सेकेंड वाला, डायमंड इज SP3 हाइब्रिडाइज एंड ग्रेफाइट इज SP2 हाइब्रिडाइज। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 69। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, देखिए ये स्टेटमेंट और ए 1 और 2 दिए हैं, तो यहाँ पे सेकंड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बट दूसरा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 70। और फिर से एसेंशन रीजन का आंसर क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 71 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये ग्राफ दिए हुए हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन, तो ये आपका पहला वाला ग्राफ होगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। हो सकता है बीच में कुछ हिंदी के सवाल मिसिंग हुए हों, ओके, क्योंकि हमने बढ़ा करके दिखाने की कोशिश की थी और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। एनीवे, चलिए 73 का आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा, बोथ द बोरोन एटम्स आर SP2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 74। द पेज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ऑफ, ओके, तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा फोर्थ, 5.57। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
इनकरेक्ट बताना है फिर से आपको, तो यहाँ पे आप देखिए O2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 15, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, नहीं हो सकता कि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही होना है, तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 76, विच अमंग द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ये पूछा गया है इसमें, तो इसमें आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा थर्ड, XeF2। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 कहता है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3, तो इसमें जो आपका पहला आंसर सही होगा 1.32 ग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 78, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो पहला ऑप्शन देखिए आप, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन के ओ टू इज प्लस फोर, ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 79, गैडोलियम हैज ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोजनेशन इन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ वॉट, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर देखेंगे आप, भी कहता है गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ ए रिएक्शन, ओके काइनेटिक्स से सवाल आया है और इसका जो आंसर आपका आने जा रहा है वो जान दे रहा है सेकेंड, जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट 81, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स इज, एंजाइम्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, तो इसमें गलत होगा आपका सेकेंड स्टेटमेंट, इन एन सॉरी एंजाइम्स आर पॉलीसेक्राइड्स, ओके। नेक्स्ट इज 82, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो पहला ऑप्शन देखेंगे आप, ऑल द 5d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स, इनकरेक्ट पूछा ना, ठीक। 83 पे चलिए, गिवन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं, विल द परमैंगनेट आयन की MnO4 माइनस लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा फोर्थ, यस बिकॉज ई सेल इज 0.287 प्लस, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, फिर से आप यहाँ थर्ड आंसर बनेगा। 85 देखेंगे, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए, फिर बताना है हमने कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो सेकेंड देखिए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंड इनकरेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री के सवाल हैं, ओके द पॉल्यूशन ड्यू टू द ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट्स एनहेंस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉट, तो आंसर यहाँ पे आपको बनेगा पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर सॉरी इसके अलावा भी दो सही है, बी एंड डी भी सही है, ओके तो पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 87 देखेंगे, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसका IUPAC नाम करेक्ट क्या होगा, तो फोर्थ ऑप्शन देखिए ये करेक्ट है, 1-bromo-5-chloro-5-4-methyl-hexone और 3-pol। नाउ 88 नंबर देखेंगे, यहाँ पे पूछा है द कंसंट्रेशन ऑफ O3 इन M इज, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 4.38 × 10⁻³। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, मैच द फॉलोइंग है फिर से, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला क्योंकि वन का थर्ड सही होगा, बी का वन, फिर सी का दो और डी का चार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 कहता है गिवन ब्रो दो स्टेटमेंट यहाँ पर फिर से दिए, फिर बताना है हमें कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो फिर से देखेंगे आप, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 91, इन द न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम के मैंने फोर ऑक्साइड्स आयोडीन इंटू आयोडेट, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैगनीज इन दिस रिएक्शन इज फ्रॉम विच टू विच, तो प्लस से प्लस फोर में चली जाती है ये मैगनीज, ओके ऑप्शन फोर इज करेक्ट। 92 कहता है फोर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पूछा क्या गया है, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन पर मिनट इज, रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 9212.9212, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 93 पे चलते हैं, कंपाउंड एक्स दिया है और यहाँ पर पूछा क्या है, प्रोपोनल एज प्रोडक्ट द कंपाउंड एक्स इज, कंपाउंड एक्स को पहचानना है क्या है, तो एक्स है यहाँ पर 3-methyl-but-1-ene, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट है। 94 आप देखिए, 94 को जो आपका आंसर सही होगा वो थर्ड सही होगा 4.9। देन क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज, तो यहाँ आपका आंसर बनेगा सेकेंड, सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी, ओके। देन क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमें 96 और यहाँ पे जो आपका आंसर आने जा रहा है वो आने जा रहा है फोर्थ, देन क्वेश्चन नंबर नहीं वन आएगा सॉरी, देन क्वेश्चन नंबर है 97 हमारा, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल,
और यहाँ पर आपका आंसर सही होगा 0.9615 वोल्ट। ऑप्शन टू इज करेक्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 98। इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस आयन इज दिस, द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस टू आयन इज, तो आंसर आपका सही होगा 1.1587 एंगस्ट्रम। देन 99 नंबर कहता है यहाँ पे कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ओके देन क्वेश्चन नंबर 100। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, इस रिएक्शन सीक्वेंस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका थर्ड प्रोडक्ट। ओके तो ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों शामिल थे और हमने बहुत तेज बताने की कोशिश की है जितना भी हो सकता था। तो आप आंसर मैच कर लीजिए, बाकी डिटेल सॉल्यूशन में थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।